ब्रेक के बाद हम लौट कर आए हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम के स्टूडियो में, और हमारे साथ बातों बातों में बने हुए हैं नीतीश प्रियदर्शी सर। इनसे अब हम आगे बातें करेंगे। एक ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर, ये जो हमारे अभी 12th पास करके जो बच्चे आएंगे, जो जियोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते, क्या करियर है, क्या स्कोप है इस क्षेत्र में उन छात्रों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए? हम लोग के समय में चाहे अभी भी जियोलॉजी में, तो इसमें दो राय नहीं कि काफ़ी स्कोप है, क्योंकि जियोलॉजी एक तरह का अप्लाइड साइंस है जिसमें आप सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी, सब कुछ आप देखते हैं। जियोलॉजी तो अपना आप देखते ही है, रॉक टाइप्स वगैरह। तो इसमें काफ़ी क्योंकि देखिए, आने वाले समय में मिनरल्स चाहिए, खनिज चाहिए लोगों को, पीने का पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कहीं ना कहीं जियोलॉजी, अभी भी जो चंद्रयान भेजा गया मंगल पे, तो सारे वहाँ की जियोलॉजी, जितने भी आप ग्रहों में देखिएगा तो सारे जियोलॉजी की खोज होती है, पानी की खोज होती है, रॉक टाइप्स की खोज होती है, वो कौन खोजेगा? तो वो जियोलॉजिस्ट खोजते हैं। तो इसमें दो राय नहीं, काफ़ी स्कोप है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, थोड़ा सा भारत में अभी इसकी थोड़ी किल्लत हो गई है, क्योंकि जियोलॉजी को अभी भी बहुत लोग सब्जेक्ट को नहीं जानते हैं, वो सीधे उसको जूलॉजी बोल देते हैं, चाहे ज्योग्राफी से इसको कंपेयर कर देते हैं, तो इस नाते कंफ्यूजन भी काफ़ी हो जाता है। तो जियोलॉजी अपने में काफ़ी, आप यूनिवर्स भी पढ़ सकते हैं, आप स्पेस साइंस में जा सकते हैं जियोलॉजी में, तो कहीं ना कहीं आपको जियोलॉजी का काफ़ी बड़ा स्कोप है, खासकर स्पेशली जो मिनरल्स वगैरह हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोल इंडिया है, ONGC है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इस सब में आपका स्कोप भी अच्छा है, नौकरी भी अच्छी है और अच्छी सैलरी मिलती है, और आप इंजॉय कर सकते हैं इन तरह के। बाकी तो आपके स्टेट के भी हैं, मिनरल डिपार्टमेंट जो होते हैं, स्टेट मिनरल डिपार्टमेंट, वहाँ भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी हैं जो आपको एज ए जियोलॉजिस्ट आपको रखते हैं, तो इस नाते इसका काफ़ी स्कोप है। सर, आप एक जियोलॉजिस्ट हैं, सर हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी रुचि इस क्षेत्र में कब आई और आप कब से इस क्षेत्र में? देखिए, हमारी रुचि जहाँ तक बात करें बचपन में भी था, लेकिन हम नहीं समझते थे कि हम जियोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त भी हम लोग जो फॉल्स वगैरह जाते थे घूमने, नदियों को जाते थे घूमने, तो हम लोग क्या, मेरा जो अपना रहता था कि नदियों में जो गोल गोल पत्थर होते थे ना, मैं उनको उठा लेता था, लगता था जैसे कुछ रहस्यमय चीज है, उनको मैं देखता था। ये सोच के नहीं देखता था कि मुझे जियोलॉजी पढ़ना है, बस इंटरेस्ट था, जंगल को देख रहा हूँ। एक बार तो मैं नदी में एक मूर्ति बहते हुए देखा कि बालू में धंसा हुआ है, मैंने उस मूर्ति को भी उठा लिया, डांट खाया कि भाई मूर्ति विसर्जित है, इसको वापस छोड़ दो वहीं, लेकिन हमको अच्छा लगा काफी, तो हमने उसको मूर्ति को ले लिया, वापस रख दिया उसी जगह पर। तो इस तरह से मेरा इंटरेस्ट जो था उसमें, लेकिन क्या होता ना कि समय के साथ साथ नौकरी के डिमांड को देखते हुए हमें, मुझे कुछ दूसरा सब्जेक्ट चुनना पड़ा। इंटर में मेरा ये नहीं था आपका जियोलॉजी, मेरा था फिजिक्स, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स था। फिर BSc में मैंने ले लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा था कि जैसे कोई सब्जेक्ट कहीं कुछ लैकिंग है मेरे अंदर, कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि ये नहीं संभाल पाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा है। वही सिर्फ कॉपी बुक स्टाइल, वही फिजिक्स का फॉर्मूला, वही आपका इंटीग्रल कैलकुलस, वही डिफरेंशियल कैलकुलस, वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो अचानक लगा कि मेरे ही रांची कॉलेज में देखा कि भाई हमारे कुछ मित्र जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसी में चला गया डिपार्टमेंट, देखा रॉक्स वगैरह है, मैपिंग दिखा रहे हैं जियोलॉजी का, ये चंद्रमा का बारे में बता रहा है लोग, रॉक्स के बारे में, ये रांची का रॉक्स है, ये इतना पुराना है। तो अचानक उसी समय हमारा जो था, जो पुरानी जो हमारी जो इंटरेस्ट था स्कूल डेज में, वो अचानक कूद के आ गया सामने, और मैंने उसी समय केमिस्ट्री छोड़ा और जियोलॉजी में इंटर कर गया ग्रेजुएशन लेवल पे, और उसमें अच्छे नंबर भी आ गया। उसके बाद MSc भी मैंने किया, उसके बाद एनवायरनमेंट की तरफ झुकता चला गया, क्योंकि एनवायरनमेंट ही अगर नहीं रहेगा तो हम क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो फिर पर्यावरण, जियो एनवायरनमेंट की तरफ मेरा, जियोलॉजिकल हैजार्ड्स वगैरह, एनवायरनमेंटल, फिर मेरा इंटरेस्ट उधर हो गया। उसी मैंने PhD भी किया और वो प्रोजेक्ट भी हमने लिया। मतलब बचपन से ही आपका इंटरेस्ट इस क्षेत्र में रहा और आगे जाके आपने इसे अपना करियर भी बना लिया। हाँ, इंटरेस्ट था, वो शौक था मेरा, वो हम उस वक्त हमको नहीं समझ में आया कि जियोलॉजी कोई सब्जेक्ट है, लगा कि अच्छा लग रहा है, देख के गोल गोल पत्थर उठा के ले आ रहे हैं, पार नदी का पानी देख रहे हैं, वहां से कुछ भी मिल रहा है, कुछ चमकता हुआ भी चीज मिल रहा है, तो लगता है जैसे सोना है, उठा लिए। तो ये इंटरेस्ट डेवलप करता चला गया और फिर धीरे धीरे कुछ समय के लिए गायब हुआ, जो समय का डिमांड होता ना, उसके चलते ये इंटरेस्ट हमारा कहीं दब गया। कोई आके कहता था भाई ये सब्जेक्ट पढ़ो इसका बहुत स्कोप है, कोई आके कहता था ये सब्जेक्ट पढ़ो इसका बहुत स्कोप है, तो धीरे धीरे हमारा वो गड़बड़ हो गया, फिर हम कहीं ट्रैक से डेविएट हुए, फिर हम जियोलॉजी में अपने सब्जेक्ट में आए तो फिर हम सर
पर बहुत लोग कहते हैं जैसे आर्ट्स के अंदर में ये सब एक आता है, और लोगों का कहना होता है कि इस क्षेत्र में जाके या तो आप प्रोफेसर बन सकते हो या आगे कोई करियर नहीं है, उतना डेवलप नहीं कर सकते हैं आप। तो सर क्या इस बात में कितना सच्चाई है और क्या आर्ट्स सब्जेक्ट है? आर्ट्स में, हाँ आर्ट्स के तौर पर ही जो इस सब्जेक्ट को भी लिया जाता है, जियोलॉजी को भी, तो लोगों का ऐसा मिथ है कि इसमें करियर नहीं है, या तो आप प्रोफेसर बन सकते हो या आगे कोई वैसा कोई करियर है नहीं। तो सर, अगर उस मिथ को आप क्या, देखिए आप सब्जेक्ट जियोलॉजी की बात कर रही हैं, हाँ। तो केवल प्रोफेसर इसमें बहुत कम बनते हैं, सारे तो आपके आप इसकी पढ़ाई आईआईटीज में होती है, एमएससी एमटेक, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप यू कैन बी अ गुड जियोलॉजिस्ट, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हो सकते हैं आप, बहुत सारे हैं, आपको एक्सपर्टीज आपकी हो सकती है चीजों में, तो ऐसा नहीं है। इसलिए हमने कहा ना कि जियोलॉजी के बारे में अभी भी बहुत कम लोगों को जानकारी है जी, बहुत मिथ है, मिथ है, कुछ आर्ट्स में गिन लेते हैं, ये आर्ट्स नहीं है, इट्स प्योर साइंस। हाँ सर, वही चीज मैं जानना चाह रही थी कि आर्ट्स में क्यों काउंट किया जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी जियोलॉजी इन चीजों को, जियोलॉजी इन चीजों को एक साथ लोग काउंट कर लेते हैं और आर्ट्स में ले लेते हैं, और बहुत ज्यादा मिथ फैला हुआ है सर, लोग इन सब्जेक्टों को लेते नहीं। नहीं, ये बिल्कुल साइंस है, कोई इसमें भ्रम अब नहीं होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में जियोलॉजिस्ट, और आपको मैं छोटी सी उदाहरण दे दूं जियोलॉजिस्ट का क्या ग्लैमर है, सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, अगर आप चीजों को जान रहे हैं तो ग्लैमर क्या है कि मैं 2 साल पहले दिल्ली में था, और जिस वक्त मैं दिल्ली में उतरा था, एक शादी में गया हुआ था, तो सुबह दिल्ली में भूकंप आया माइल्ड, तो शाम को हम लोग बैठे हुए थे, वो दिल्ली में हमारे पर, लेकिन बाकी मैं किसी लोगों को नहीं जानता था, सिर्फ जिनके घर में शादी थी उन्हीं, जो पेरेंट्स थे उन्हीं को मैं जानता था जी। तो मैं खड़ा था, तो उन्होंने एक दो आदमी से परिचय करा दिया कि जरा आए हुए रांची से, बातचीत कीजिए, वो लोग शादी में लगे हुए थे, तो बेचारे वो दो आदमी हमको एंटरटेन करने लगे, तो फिर ऐसी बातचीत होने लगा, फ्लैट व्लैट पर दिल्ली में बहुत दाम बढ़ गया, ये सब वो सब हमने मुँह से निकला है, भाई जिस तरीके से भूकंप आ रहा है तो फ्लैट वाले को ज़्यादा खतरा है, तो सुबह आया था भूकंप आ रहा था, आप तो जियोलॉजिस्ट हैं, तो सर क्यों आता है सब भूकंप क्या, तो हमने जो बताना शुरू किया कैसे आता है, हिमालय का मूवमेंट है उधर, हमारा प्लेट मूवमेंट हो रहा है बताना, अचानक मेरी नजर मेरे पीछे गई तो करीबन हमने देखा कि 15-20 आदमी खड़े मेरी बात सुन रहे हैं। वो एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट हो गया, वो ग्लैमर है। आप, हमने क्या कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर और पृथ्वी के अंत की भविष्यवाणी तक हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। सर बहुत जरूरी है इस मिथ्य को मिटाना, ताकि लोग इस सब्जेक्ट को जान सके और अपने पर्यावरण से जुड़ने के लिए आ सके इस सब्जेक्ट में। इसलिए हमने इसलिए कहूंगा कि जियोलॉजी जो है वो हर सब्जेक्ट में घुसा हुआ है। आप ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, बिना जियोलॉजी के ग्राउंड वाटर कंप्लीट ही नहीं है। एनवायरमेंट की, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जहां भी आप बात कीजिएगा जियोलॉजी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जियोलॉजी को छोड़ नहीं सकते, तो जियोलॉजी सबके बेस में है, तो इसलिए जियोलॉजी का तो अपना इंटरेस्ट है। हाँ ये है कि स्टेट गवर्नमेंट हो, इंडिया गवर्नमेंट हो, इस सब्जेक्ट को और थोड़ा डेवलप करे तो नौकरी इसमें और आएगी जी। सर अब हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल के तरफ। हाल ही में सर आपका अमेरिकी अखबार में एक रिपोर्ट छपा है सिंधु नदी की मछलियों के ऊपर, तो वो रिपोर्ट क्या थी सर, एक छोटा सा उस पे आप बता दीजिए। देखिए अभी क्या हो रहा कि सिंधु नदी काफी इंपॉर्टेंट रिवर है वहाँ का, और जो आपके मानसरोवर से निकलते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है, तो उसमें एक खास मछली, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, उस मछली के बारे में लोगों ने पूछा था कि उसकी संख्या काफी कम हो गई है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे लोग उस मछली पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है लेह लद्दाख में। तो उसमें क्या था कि हमने कहा कि उसका कारण जो है, हो सकता है जो वहाँ जो डैम्स बन रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपका जो इंडो चाइना टेंशन, इंडो पाकिस्तान टेंशन में इससे सारी सिंधु नदी पर असर पड़ रहा है, तो बड़े बड़े डैम्स जो बनने लगे हैं, तो ये मछली जो है ऊपर जाती थी मानसरोवर की तरफ अपने ये फैमिली बढ़ाने, तो उसमें क्या था, उन पर रुकावट आ रही है, तो ये मछलियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और इंदस रिवर को भी पानी जो मिलता है वो बरसातों में मिलता है, ग्लेशियर्स भी आपके पीछे चले जा रहे हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं, और लेह लद्दाख तो ड्राई डेजर्ट एरिया है, तो इसमें पानी को जो मिलता था वो ग्लेशियर से मिलता था, ग्लेशियर्स भी आपके कम हो रहे हैं, डैम आप बना दे रहे हैं जिसके चलते वो मछली कम हो रही है। और मछली का इतने चिंता का विषय इसलिए कि जब मछली कम होने लगे तो आप समझिए रिवर की लाइफ कम हो रही है, रिवर की वाटर क्वालिटी कम हो रही है, इसका मतलब वो इंडिकेशन है, वो सिग्नल है, ये सीरियस इशू है, क्योंकि सिंधु नदी अगर गड़बड़ा गई तो तीन देश, कम से कम दो देश, इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया को ये ड्रेनेज करता है। बिल्कुल, सिंधु नदी का काफी महत्व है पाकिस्तान और भारत दोनों ही दोनों के लिए, और चाइना का है ही, तो चाइना इसलिए कंट्रोल करना चाह रहा है इसको, ये बहुत बड़ी इश्यूज बन के आ रहा है पूरे वर्ल्ड में ये तीनों इश्यूज का, इसलिए इस इशू पर लोग बाहर के देश भी, हमारे देश लोग चिंतित हैं, तो उस पर हमारा वो स्टेटमेंट आया था क्यों मछलियां कम हो रही है, क्या इंडिकेशन है, इंडिकेशन यही है कि सिंधु नदी पर खतरा है।
ये जो बांध बनाए जा रहे हैं इधर उधर की जो गतिविधियां हो रही हैं, बिल्कुल वो है, नदी भी आपके यहाँ, पानी कहाँ से मिलेगा, मछली कहाँ से, मछली तो ऊपर जाती है, ट्रेवल करती है जो मछली है, तो मानसरोवर की तरफ, तो सब आप रोक दीजिएगा तो नदी तो सूख जाएगी ना, जैसे सरस्वती गायब हो गई जी, बिल्कुल। तो इस तरह से झारखंड की बहुत सारी नदियों में खतरा है इसी को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं आप नदी ही गायब कर दीजिएगा जो सभ्यता का सबसे जो मूल में बैठा हुआ था, सारी सभ्यता नदी किनारे पनपी है, तो नदी नहीं रहेगी तो फिर आप, आपको तो पानी चाहिए ना, अब पानी तो आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं जी, बिल्कुल, पानी को तो हम नहीं बना सकते हैं प्रयोगशाला में। तो सर आपने झारखंड की बात करी जल को लेकर, तो झारखंड में भी जल संकट की बहुत ज्यादा समस्या है। देखिए इसका कारण क्या ना कि 1942 में ब्रिटेन के एक जियोलॉजिस्ट थे इंग्लैंड के, जेबी ऑर्डन, उन्होंने यहाँ सर्वे किया था आर्मी को बैठाने के लिए 1942 में। उन्होंने कहा था कि रांची के भूमिगत जल पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का भूमिगत जल हार्ड रॉक्स में है और यहाँ के क्रैक्स और फिशर्स और फॉल्ट में ही यहाँ के भूमिगत जल है, इसलिए आप देखिएगा उस वक्त यहाँ काफी तालाब और झील और कुएं से ही पानी काम चलता था। अब क्या हो गया कि जब से हमारा जो सतही जल पोल्यूटेड हुआ, लोग ताबड़तोड़ डीप बोरिंग करने लगे, ये हाँ, तो उसमें क्या, जहां जिस जगह पर एक कुआं से, एक स्रोत से दो परिवार का पानी चलता था, आज स्रोत उसी स्रोत से 500 परिवार है, तो पानी कहां से रहेगा। उसी स्रोत में जहां केवल दो परिवार आराम से सालों भर पानी मिलता था, आज वही पर 500 फैमिली आ गई, फ्लैट बन गया, स्रोत तो वही है, वो कितने को पिलाएगी पानी। बढ़ती जनसंख्या का इफेक्ट जो है, बढ़ती जनसंख्या और अर्बनाइजेशन और ताबड़ और वाटर मैनेजमेंट का नहीं होना, ये बहुत बड़ा इशू है जिसके चलते आज झारखंड में वाटर क्राइसिस हमेशा दस्तक देता है, जनवरी आते शुरू हो जाता है और उसके बाद ये क्राइसिस शुरू हो जाता है, कुएं गायब, कुएं तो अब दिखते ही नहीं रांची में, बहुत कम है, सब बोरिंग, सबको लगता है कि बोरिंग का पानी हम पिएंगे। आपको एक चीज बता दें कि आप घर में दो दिन पुराना पानी रखिए बर्तन में, आप उस पानी को फेंक देते हैं जी, बिल्कुल, बोरिंग का पानी कितना पुराना आपको क्या पता है? सबसे पुराना जो पानी का डेटिंग किया गया है, कार्बन डेटिंग पानी का, वो सऊदी अरेबिया में किया गया, उस पानी की आयु थी 10,000 साल पुरानी, वो ट्रैप में फंसी हुई थी। तो ये पानी जो आप रांची में पी रहे हैं वो कितना पुराना है ये आपको भी नहीं पता है, क्योंकि एक बार जब बारिश होती है ना, ग्राउंड वाटर तुरंत रिचार्ज नहीं होता है, वो सब सरफेस वाटर रिचार्ज होता है, कुआं वगैरह, तालाब वगैरह, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में 2-3 महीना लग जाता है, पानी को वहां तक पहुंचने में, रॉक्स को पार करते हुए 1 महीना भी लग सकता है, 20-25 एक महीना तो मिनिमम लगता है, उसके बाद डिपेंड करता है रॉक टाइप्स कैसा है, उस पर कितना रिचार्ज हो रहा है। तो ये नाते इसलिए हमने कहा कि ग्राउंड वाटर क्राइसिस जो है वो बहुत जरूरी है। उसके चलते क्या हो रहा है कि आज पूरे झारखंड में अगर आप चले जाइए, गढ़वा का जो एरिया है पलामू का, हाई फ्लोराइड कंटेंट है, लोग फ्लोरोसिस से अफेक्टेड हो रहे हैं। आप साहेबगंज और पाकुड़ वगैरह चले जाइए, पानी में हाई आर्सेनिक कंटेंट है, जो सबसे बड़ा जहर जिसको हिंदी में संकी भी बोलते हैं, वहाँ का पानी मारा है, लोग त्रस्त हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। हाँ, तो केवल ये मान लेना कि भूमिगत जल बहुत सेफ है ये गलत होगा, हम नहीं कहेंगे, पानी की जाँच होनी चाहिए, जहाँ जैसे वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में होता है कि आप जो जल पीते हैं उसकी जाँच मॉनिटरिंग होती है। अगर आप अपने घर में भी आप बोरिंग कर दिए जो कि अलाउड नहीं है, अगर किए हैं तो उसकी पानी की जांच निगम के द्वारा होती है, म्यूनिसिपल के द्वारा, कि पानी आपके पीने लायक है कि नहीं, वह हेल्थ की प्रायोरिटी है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी हेल्थ की प्रायोरिटी को बहुत नीचे रखा जाता है, आम लोग भी हेल्थ को बहुत कम देखते हैं, जिसका आप साक्षात उदाहरण अभी कोरोना में देख रहे हैं कि लोग बिना मास्क उतारे घूम रहे हैं और सबसे बड़ा खतरा आ रहा है। तो हेल्थ को अगर आप नहीं ध्यान दीजिएगा तो कोई नहीं देगा, और इसमें हमने कहा कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्राउंड वाटर, जो कि हमको इसको देखना है जी। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि कोरोना काल में हेल्थ के इम्पोर्टेंस को बहुत ज्यादा उभार कर सामने लाया है कि कितना इम्पोर्टेंट है हेल्थ इम्पोर्टेंट है, लोग नहीं ले रहे हैं उस चीज को इम्पोर्टेंट। हमारे साथ आज बातों बातों में मौजूद थे नीतीश प्रियदर्शी सर, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे रेडियो खांची 90.4 FM की स्टूडियो में आने के लिए। और आज की कड़ी को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और फिर मिलेंगे रेडियो खांची 90.4 FM में ही बातों बातों की अगली कड़ी में। और आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।